नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमडी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसान और सरकार के बीच घमासान जारी, किसानों के आंदोलन को हुए 32 दिन। पीएम मोदी के मन की बात का किसानों ने किया विरोध, ताली और थाली बजाकर किया विरोध। हरियाणा में 7 नगर निकायों के लिए मतदान, कड़क ठंड के बीच मतदान करने पहुंचे शहरी। और अब समाचार विस्तार से। सेरदा गांव का रहने वाला अमरपाल कुछ दिन पूर्व ग्रामीणों के साथ दिल्ली के बॉर्डर पर परिवार सहित आंदोलन में भाग लेने गया था और कल बॉर्डर पर हृदय गति रुकने से उसका देहांत हो गया। उसका पार्थिव शरीर कैथल के नागरिक अस्पताल में लाया गया, जहां पर मेडिकल बोर्ड द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद कैथल के सरकारी अस्पताल में जहां एक और अमरपाल अमर रहे के नारे लगे, वहीं सरकार के विरोध में भी नारे लगाए गए और ग्रामीण काफी संख्या में ट्रैक्टर और ट्रालियों में मृतक का पार्थिव शरीर लेकर नारे लगाते हुए पैतृक गाँव की तरफ रवाना हो गए, जहाँ पर लोगों ने नम आंखों से किसान के पार्थिव शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। किसान संगठनों ने सरकार से शहीद का दर्जा, परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। अमरपाल गांव सेरदा से जो टिकरी बॉर्डर पर कल 2:30 बजे हार्ट अटैक फेल होने के कारण मृत्यु हुई है, हम सरकार से मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए, एक सरकारी नौकरी और शहीदी का दर्जा दिया जाए। लगातार नौजवानों की डेथ हो रही है, कहाँ देख रहे हैं डिग्री बॉर्डर पे? देखिए, सरकार को समझना चाहिए, भाई इतने ठंड में यहाँ पर बैठे हैं और कमेरा वर्ग है सारा काम करने वाला, प्रधानमंत्री ने शर्माने चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारी समस्या का समाधान कर देनी वरना लेने के देने पड़ते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जहां कई विपक्षी पार्टियों के नेता सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं, वहीं भाजपा में भी इन कानूनों को लेकर कुछ नेताओं की नाराजगी दिखाई दे रही है। इस बीच पूर्व मुख्य संसदीय सचिव भाजपा नेता रामपाल माजरा ने कलायत प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि मैं अभी भाजपा में हूं, लेकिन उससे पहले मैं किसानों के साथ हूं। सरकार ने जो किसानों पर नए 3 कानून लगाने का काम किया है, वह किसानों के हक में नहीं है। रामपाल माजरा ने कहा कि अगर किसानों के लिए मुझे राजनीतिक दांव पर लगानी पड़ गई तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार अपने काले कानून वापस नहीं लेगी, तब तक वे किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं इन कानूनों से असहमत हूं। प्रथम हमने जब ये अध्यादेश थे तो हमने कुछ पूर्व विधायकों को पंचकूला में जिमखाना क्लब में इकट्ठा किया और वहां पे दर्जनों पूर्व विधायक पहुंचे थे और सभी ने ये कहा था ये कृषि कानून किसान मजदूर व्यापारी विरोधी हैं, हम इनको की आलोचना करते हैं और सरकार से कहेंगे कि इन्हें वापस लें। परंतु सरकार ने किसी प्रकार का गौर नहीं किया, बिल लेकर के आए और ये कानून फिर उसके बाद बन गए। कलायतु मंडल के गांव मटौर की मनीषा मोहन ने 57 किलो भार में गोल्ड मेडल जीतकर अपने हल्के का नाम रोशन किया। जीते पर हल्का वासियों ने मनीषा को सम्मानित किया और उसकी जीत की खुशी मनाई। वही मनीषा ने गाँव में अच्छे स्टेडियम बनाने की सरकार से अपील की है। किसान और सरकार के बीच घमासान जारी है, किसान कड़ाके की सर्दी में भी सड़कों पर डटे हुए हैं। आज आंदोलन का 32वां दिन हो गया है और वहीं इस घमासान के बीच किसानों ने सरकार की ओर से आए बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन साथ ही वे शर्तों को लागू कर दिया है जिन्हें लेकर ये पूरा घमासान चल रहा है। अब गेंद सरकार के पाले में है, किसानों ने प्रस्ताव के साथ आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे दी है। इस बीच सिंघू बॉर्डर पर स्टेज को बड़ा कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज शाम 6 बजे सिंघू बॉर्डर पर जाएंगे। आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस बीच प्रदर्शनकारी किसानों ने पीएम के विरोध में थालियां बजाने का ऐलान किया था और देश भर में पीएम मोदी के विरोध में कृषि कानून के खिलाफ खड़े संगठनों ने थालियां बजाकर किसान संगठनों को अपना समर्थन दिया। इसी के तहत आंदोलनकारी किसानों द्वारा लाए गए आह्वान के पर किसानों को समर्थन देने के लिए देश भर में थालियां बजाई गई। किसानों के आंदोलन को 32 दिन हो गए और किसान अब भी दिल्ली सरहद पर डटे हुए हैं। किसानों ने बातचीत के प्रस्ताव के बावजूद आंदोलन और तेज करने की चेतावनी भी दी है। किसानों ने फैसला किया है कि यदि सरकार से वार्ता नाकाम हुई तो प्रदर्शन तेज किया जाएगा, एनडीए के सांसद विधायकों के विरोध को बढ़ाया जाएगा, अडानी अंबानी के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार जारी रहेगा और हरियाणा के साथ साथ अब पंजाब के टोल भी फ्री कर दिए जाएंगे।
हरियाणा में कड़े ठंड के बीच 7 नगर निकायों के लिए रविवार सुबह से मतदान जारी है। राज्य में अंबाला, पंचकुला और सोनीपत नगर निगम के मेयरों के साथ ही पहली बार रेवाड़ी जिला परिषद के अलावा रोहतक की सांपला, रेवाड़ी की धारूहेड़ा और हिसार का कुलाना नगर पालिका के प्रधान का प्रत्यक्ष चुनाव हो रहा है। सामान्य मतदाता को शाम 4:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को कहा गया है। इसके बाद 5:30 बजे तक वायरस के लक्षणों वाले या संक्रमित मतदाताओं को वक्त दिया जाएगा। जहां देश को महामारी वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है, उस इंतजार के बीच वायरस के नए केसों का आना भी जारी है। हरियाणा में 24 घंटे में 392 नए संक्रमित मरीज सामने आए, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान 600 लोग महामारी को मात देकर घरों को लौटे। इसी के साथ हरियाणा में महामारी के कुल मरीजों की संख्या 260,545 तक पहुंच गई है, जिनमें से 253,145 मरीज ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में अब 4,535 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज जारी है। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।